एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। इसके साए में सदा प्यार के चर्चे होंगे, खत्म जो हो ना सकेगी वो कहानी दी है। शकील बदायूनी की ये लाइनें दुनिया भर में मोहब्बत की निशानी के तौर पर मशहूर आगरा के ताजमहल और इसकी मोहब्बत की कहानी को अमर बनाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रेम के प्रतीक के तौर पर प्रसिद्ध ताजमहल पर इन दिनों खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। खतरा भी ऐसा जो ताजमहल के वजूद को ही मिटाने पर तुला हो। आगरा का ताजमहल एक खास किस्म के हमले की चपेट में है। यहाँ आने वाले पर्यटक ताजमहल को होने वाले नुकसान की तस्वीरें भी खींच रहे हैं और इसके बारे में जानना भी चाह रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ताजमहल को किससे और क्या खतरा है। विश्व की सबसे खूबसूरत इमारतों में शुमार ताजमहल पर इन दिनों एक कीड़े ने हमला बोल दिया है, जिससे संगमरमरी दूधिया सफेद इमारत काली और हल्की हरी होने लगी है। ये कीड़ा यमुना नदी के दलदल में से निकलकर ताजमहल के यमुना किनारे वाले हिस्से पर चिपक जाता है और गंदगी फैलाने लगता है। इस कीड़े का नाम गोल्डी कायरोनोमस है। यमुना की तरफ वाले आर्च और मुख्य गुंबद की जालियों पर भी ये पनपने लगा है। ताजमहल देखने आने वाले पर्यटक ताजमहल के साथ ही इसकी भी तस्वीरें अपने मोबाइल में खींच रहे हैं। भारतीय पुरातत्व अधीक्षक राजकुमार पटेल गोल्डी कायरोनोमस कीड़े के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये कीड़ा तालाबों, नदी और दलदल में पनपता है, जहां पानी कई दिनों से रुका होता है वहीं पर ये पनपता है। यही वजह है कि ये कीड़ा यमुना नदी से ताजमहल के पीछे वाले हिस्से की दीवारों, जालियों पर चिपक कर संगमरमरी इमारत को बदरंग कर रहा है। हालांकि अमूमन ये कीड़ा बरसात के दिनों में देखा जाता था, लेकिन इस बार ये समय से पहले आ गया है। उन्होंने कहा कि इस कीड़े से ताजमहल की दीवारों को कोई खास नुकसान नहीं है, हालांकि कुछ समय के लिए दीवारों का कलर बदल जाता है। समय समय पर इस कीड़े की नॉर्मल पानी और कपड़े से सफाई की जाती है। जब बरसात के दिनों में नदी में पानी अच्छी मात्रा में बहता है तो खुद ब खुद ये कीड़ा बहकर चला जाता है। पटेल के मुताबिक इस कीड़े से ताजमहल को कोई खास नुकसान नहीं है, लेकिन कीड़ा ताजमहल के जिस भी हिस्से पर बैठता है उसकी खूबसूरती को खराब तो कर ही देता है। गोल्डी कायरोनोमस द्वारा ताजमहल की दीवारों पर छोड़ी गई गंदगी के दागों को धोकर साफ किया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रसायन शाखा ने स्मारक में सफाई कराई है। अब 8 से 10 दिन के अंतराल पर यहां नियमित सफाई की जाएगी, जिससे कि कीड़े द्वारा छोड़ी गई गंदगी से स्मारक की सुंदरता पर दाग न लगे। आइए ताजमहल के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल का निर्माण 5वें मुगल शासक शाहजहां ने अपनी तीसरी बेगम मुमताज की याद में करवाया था। ताजमहल को मुमताज का मकबरा भी कहते हैं। मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां बहुत गमगीन हो गए थे। उन्होंने अपने प्रेम को जिंदा रखने के लिए ताजमहल को बनवाया था। शाहजहां ने 1631 में ही आधिकारिक रूप से ताजमहल के निर्माण की घोषणा कर दी थी। 1632 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। वैसे तो मकबरे का निर्माण 1647 में ही पूरा हो गया था, परंतु इसके सभी पहलुओं पर काम करते रहने से इसे बनाने में लगभग 10 साल और लग गए। संपूर्ण ताजमहल का निर्माण 1653 में लगभग 320 लाख रुपए की लागत से हुआ। इसके निर्माण में 20,000 कारीगरों ने मुगल शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी के अंदर काम किया। ऐसा कहा जाता है कि इसके निर्माण के बाद शाहजहां ने अपने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए बातें यूपी की।